हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज अपन नीट 2019 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो उड़ीसा में आया था। बच्चों 2019 में दो पेपर हुए थे, तो 2019 का एक पेपर का सॉल्यूशन जो ऑल ओवर इंडिया में हुआ था वो पहले से ही हमने करवा दिया है, उसका वीडियो आप देख लेना। ये 2019 नीट का पेपर है जो उड़ीसा में अलग से नीट 2019 हुआ था, तो वहाँ पे जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस आज हम लेके आए हैं। फिजिक्स के सॉल्यूशन हैं, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आए थे और थर्ड पार्ट फिजिक्स का था बच्चों, है ना, तो इसीलिए इसकी नंबरिंग हमने 136 से चालू कर रखी है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दिखेगा आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है टू मेटेलिक स्फीयर्स हैं, वन ऑफ रेडियस आर, अदर इज 2R। बच्चों दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस आर दिया हुआ है और एक का रेडियस 2R दिया हुआ है। दो आपके पास धात्विक गोले थे, एक की त्रिज्या आर, एक की त्रिज्या 2R है। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, बच्चों इनका सिग्मा सेम दिया हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है आप इसका चार्ज निकाल लीजिए पहले, है ना। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता था बच्चों, सिग्मा का फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता था? सिग्मा होता था एकांकी क्षेत्रफल में आवेश या चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज का फॉर्मूला आएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। तो बताइए इसका चार्ज Q1 निकाल लीजिए, Q1 की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू ए, इसका एरिया, गोले का एरिया होता है 4πr2, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr2। ये आपके पास क्या आ गया है? ये आ गया है Q1। ऐसे ही इसका चार्ज Q2 निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा, चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा और ए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4π और 2R2, क्योंकि इसकी रेडियस 2R है। बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, 4 इंटू 4 कितना हो गया? ये 16, यानी सिग्मा इंटू 16πr2। बच्चों ये Q1 है, ये Q2 है, टोटल चार्ज या कुल आवेश अगर मैं निकालता तो मैं इन दोनों को जोड़ लेता और वो आता 20σ into πr2। ये अपने पास टोटल चार्ज आया है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, ये यहाँ तक तो आ गए थे कि सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का क्षेत्रीय आवेश घनत्व समान है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। अब बच्चों इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया गया, मतलब चालन होगा, कंडक्शन होगा। अगर चालन या कंडक्शन होगा, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया गया, मान लीजिए तार से जोड़ दिया गया या कॉन्टैक्ट में लाया गया, तो कंडक्शन में हमने बताया था आपको कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज तब तक फ्लो करेगा, आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों के विभव सेम नहीं हो जाते, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम करोगे तो बहुत ही आसान था, एक रिजल्ट आता था कि फाइनल चार्ज Q1 फाइनल और Q2 फाइनल, बच्चों ये रेडियस के रेशियो में आ जाएगा, रेडियस के रेशियो में मतलब R/2R या 1/2 आ जाएगा। ये मैंने रिजल्ट डायरेक्टली लिखा है क्योंकि आपको नोट्स में पढ़ाया गया है कि जब भी दो स्फीयर्स को हम टच करेंगे, जब भी दो गोलों को हम टच करेंगे, अंत में फाइनली इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, अंत में दोनों के विभव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों के पोटेंशियल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तुम विभव लिखते ना, इसका विभव कितना आता है? KQ1/R1 पोटेंशियल, इसका KQ2/R2। वहां से Q1/Q2 निकालोगे तो वही आ जाएगा R1/R2। तो ये हम याद करवाते हैं जब दो गोलों को हम संपर्क में लाते हैं, जब दो स्फीयर्स को हम टच करते हैं, तो फाइनल चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो में रहता है, तो फाइनल चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो में रहेगा। तो 1:2 में तुम इसे डिवाइड कर दो यार, 1:2 में चीजों को अगर आपको बदलना आता हो तो 1 वाले को कितना हिस्सा मिलेगा? 1 वाले को मिलेगा 1/3 ऑफ टोटल। 1+2 कितना होता है? 3 होता है ना, तो 3 में से 1 हिस्सा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो 1/3 चार्ज इसका टोटल का, यानी 20σ into πr2। ये बच्चों पहले वाले को क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। दूसरे वाले को चार्ज कितना मिलेगा? 2/3 ऑफ टोटल, टोटल इतना है यानी 20σ into πr2। बच्चों ये दोनों के अंत में आवेश हो गए, दोनों के फाइनली चार्ज ये हो गए। हमें क्या पूछा है? व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों हमें तो अंत में सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, अंत में क्षेत्रीय आवेश घनत्व चाहिए। ये आवेश आया है, ये चार्ज आया है, चार्ज को आप एरिया से और डिवाइड करो। तो पहले वाले का एरिया कितना था?
पहले वाले का एरिया था 4πr², ये आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय आवेश घनत्व पहले गोले के लिए। यहाँ से आपको कुछ राशियाँ कैंसिल होती हुई दिखेंगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटा दो, पाई से ये पाई हटा दो, 4 से इस 20 को हटाओगे 5 आ जाएगा, 5σ/3। तो पहले ऑप्शन में आना चाहिए था 5σ/3। और दूसरे वाले को ये चार्ज आया था, तो दूसरे वाले का एरिया कितना था बच्चों, 4π × 2r² 2r² भी 4r² हो जाएगा। बताइए ये इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और इस 4 से ये इधर 5 आ जाएगा, ठीक है, और इस 4 से अगर कैंसिल करते ये 2 को इधर, तो ये नीचे 2 आ जाता, तो कितना आ जाता 5σ/6। ये 3 2 का कितना आ जाएगा 6, यानी कि पहले का 5σ/3 और दूसरे का 5σ/6, ये ऑप्शन नंबर 4th अपने को सही दिख जाएगा। पहले वाले का क्षेत्रीय आवेश घनत्व कितना आ रहा है 5σ/3 है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दूसरे वाले का 5σ/6। क्वेश्चन उड़ीसा के जो थे वो जो ऑल इंडिया का नीट का पेपर था उसके कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा लंबे थे। सवाल में, नीट के सवाल में कभी ऐसा नहीं होगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला है ना, किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के लिए नीट का पेपर आसान होता है, मुश्किल सवाल मतलब लंबे सवाल नीट का, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो जो लंबे सवाल होंगे उसमें बच्चा आधा सवाल सॉल्व करेगा, फिर उसको डर रहने लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरे सवाल पर चला जाता है ना, यही होता है पेपर में। इसलिए नीट के पेपर में फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें कैलकुलेशन आती है, उनमें आप क्या करें कि तसल्ली रख के कैलकुलेशन करें, हो सकता है मुश्किल सवाल मिले उसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट मिले आपको, तो तसल्ली रख के सवाल करो। स्पेस जो आपको रफ के लिए मिलती है नीट के पेपर में वो भी कम मिलती है, इसलिए भी बच्चों को बहुत प्रेशर हो जाता है लंबे सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अपन इसको हटा देता हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो दूसरा सवाल है इसका 137th क्वेश्चन। बच्चों देखिए, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल SHM का है बच्चों, और ये हम पहले लेक्चर में SHM के सरल आवर्ती गति के पहले लेक्चर में लिखवा देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। बच्चों एक आवर्तकाल में आपको दूरी बतानी है कि एक आवर्तकाल में कण कितनी दूरी चलता है, वो तो सबको याद होती है 4a चलता है बच्चों। एक आवर्तकाल में मतलब एक ऑसिलेशन में कितना चलेगा, है ना, इसमें वन टाइम पीरियड लिखा हुआ है। वन टाइम पीरियड मतलब ये मीन पोजीशन मान लो, मीन पोजीशन को जीरो मान लो माध्य अवस्था, ये चरम अवस्था मान लो माइनस है, और ये भी एक तरफ माइनस है मान लो, एक तरफ क्या मान लो प्लस है मान लो, है ना, चरम अवस्था एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल यहाँ से इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर से इधर आता है, ये बच्चों एक टाइम पीरियड हो जाता है ना, ये समय T/4 होता है ना, ये भी T/4 होता है, यहाँ तक ये भी T/4 और ये भी T/4, तो इन सबको जोड़ोगे तो टी टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा ना टी टाइम। बताओ कितना चला ये पार्टिकल, ये पार्टिकल आपको 4a चलता हुआ दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये a हो गया, यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा तो a और हो जाएगा, तो a और a2a, यहाँ से यहाँ तक आएगा a और आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा a और आ जाएगा, a a a और a, यानी 4a चलेगा ये पार्टिकल। कितना चलेगा 4a चलेगा ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन में या एक टाइम पीरियड में, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। SHM का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बताते हैं हम। एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो होता है और डिस्टेंस 4a होता है, तो याद कर लेना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, अगला जो उड़ीसा नीट में सवाल था 138th क्वेश्चन उड़ीसा नीट का। यहाँ पे बच्चों आपसे क्या बोला गया है, अ मास फॉल्स फ्रॉम हाइट h, बच्चों h हाइट से कोई मास नीचे गिरता है ना, और उसका टाइम t आता है। बताइए जो मास नीचे गिरता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो याद होता है, √2h/g, है ना, तो ये टाइम हो गया, हमने फॉर्मूला लगा दिया, किसी कण को मुक्त किया ड्रॉप किया है तो ये टाइम आ गया। अब इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब इस समय को सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के पदों में रिकॉर्ड किया गया है। दिस टाइम पीरियड इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g होता है। ये बताओ मेरे को यहाँ पे
कि इनको एक दूसरे की टर्म्स में लिखोगे तो जी आएगा कि नहीं आएगा। हमें टी लिखना है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, हमें ये जो टी लिखना है, ये टी हमें लिखना है इस कैपिटल टी की टर्म्स में। जब तुम ऐसा लिखोगे, बताओ यहां से ये लिख सकते थे क्या कि टी 1/√g के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, और यहां से कैपिटल टी भी 1/√g के प्रोपोर्शनल है। तो जब तुम टी और टी का रेशियो लोगे, देखिए यहां भी जब ऐसा लिखा गया तो टी और 2t बराबर आ गया, यानी टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2t के बराबर आ गई। याद रखें कि इनका रेशियो जी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपने जब इस टी को लिखा होगा तो ये टी 1/√t के बराबर है, और यहां भी कैपिटल टी 1/√g के बराबर है। रेशियो लोगे तो याद कर लेना टी बाय कैपिटल टी वो नहीं डिपेंड कर रहा है, वो निर्भर नहीं कर रहा है जी पर, है ना, और जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब लिखोगे तो हाँ आंसर में एच आएगा, एल आएगा, अगर इसका रेशियो लेते तो एच और एल आता, लेकिन जी नहीं आता। और वो सब सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन ने बोल दिया टी की वैल्यू 2t आ गई। ठीक है, आगे पढ़ो क्या बोला है। अब पूरे सेटअप को, इस पूरे निकाय को हम ले गए कहाँ पे, दूसरे प्लेनेट पर ले गए, दूसरे प्लेनेट पर ले गए जहाँ पर मास आधा है अर्थ का, रेडियस सेम है। अब टी और टी में रिलेशन चाहिए। बच्चों ये बताओ मेरे को कि अभी दूसरे प्लेनेट पर ले जाओगे तो दूसरे प्लेनेट पर ले जाने पर जी चेंज हो जाता है, लेकिन आप ये बताइए ये जो आंसर है ना, इस आंसर में जी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब तुम टी को कैपिटल टी की टर्म्स में लिख रहे हो तो जी पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं। दूसरे प्लेनेट पर ले जाओगे तो जी चेंज करेगा, लेकिन अपना आंसर जी पे डिपेंड नहीं करता है। अभी भी आंसर वही आएगा, अभी भी टी की वैल्यू 2t ही रहेगी, लेकिन दूसरे प्लेनेट पर टी को टी डैश कर रखा है और कैपिटल टी को भी टी डैश कर रखा है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि हमने किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल को ड्रॉप किया तो आंसर में जी आता है, और यही आंसर हमने सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के आवर्तकाल या सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखा, उसमें भी जी आता है। तो जब तुमने इस स्मॉल टी को कैपिटल टी की टर्म्स में लिखा होगा तब आंसर में जी नहीं आया होगा। तो दूसरे ग्रह पर ले जाओगे, दूसरे प्लेनेट पर ले जाओगे, वहां पर भी जी चेंज होगा, लेकिन हमारे इस रिलेशन में, इस समीकरण में जी का कोई रोल नहीं है। तो जी चेंज भी हो जाए तब भी आंसर यही रहेगा, इसीलिए हम आंसर वन बोल रहे हैं, फर्स्ट आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा सवाल था, आपको आना चाहिए क्या मतलब है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ आ जाइए बच्चों। 139 क्वेश्चन आपको वेव थ्योरी का दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 139 वेव थ्योरी का क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज दे रखी है, रेजोनेंस आ रही है ना, कहां पे क्लोज्ड है, एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, मतलब एक रेजोनेंस ट्यूब बना ली बच्चों, रेजोनेंस ट्यूब आपको पढ़ा रखी है, इसके दूसरे सिरे पे पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सक्सेसिव रेजोनेंस, तो इसमें क्रमागत रेजोनेंस मिलते हैं, तो ये तो बंद सिरा है, तो इसमें सबसे पहले इस तरीके से बनेगा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 4, और इसको क्या बोल देता हूँ, L1 बोल देता हूँ मैं, और फिर क्या हुआ, फिर दूसरा अगला रेजोनेंस, अगला अनुनाद मिलेगा, तो अगला रेजोनेंस मिलेगा तो वो फिर कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये थी लैम्डा बाय 4, और ये कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3λ/4, वो मान लीजिए L2 है, 3λ/4 मान लीजिए, ये क्या होती है, L2 आ गई। बच्चों अगर ये L1 L2 है तो आप यहाँ से बताओ L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 माइनस L1 अगर करोगे तो 3λ/4 में से λ/4 माइनस करोगे तो 2λ/4 आएगा, 2λ/4 को आप λ/2 लिख सकते हो, यानी यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी 2L2 माइनस L1, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, चाल बराबर आवर्ती गुणा लैम्डा, अपने को स्पीड तो चाहिए ही, वी तो आपको चाहिए ही, फ्रीक्वेंसी आवर्ती आपको 800 दे रखी है,
फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती 800 दे रखी है। लैम्डा की वैल्यू, ये रही लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 × L2 - L1। L2 माइनस L1 मतलब ये 31.25 - 9.75। बच्चों इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 344 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और AIPMT 2008 में भी ये इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। तो वेव थ्योरी के सवाल आते हैं रेजोनेंस के, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना आना चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, अगले सवाल पे अगर अपन चले बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, ये देखिए अगला 140 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगले 140 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, बच्चों ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, किसी ऑब्जेक्ट का वेग दे रखा है, ये दो पार्ट्स में टूटता है जिनके मासेस 1:5 दे रखे हैं और अपने को वेलोसिटी दूसरे पीस की बतानी है। बच्चों हमेशा फिजिक्स में संवेग या मोमेंटम कंजर्वेशन वो आप लगा सकते हो, है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि घटना से पहले, घटना के बाद, प्रोसेस से ठीक पहले और प्रोसेस के ठीक बाद टाइम में कोई चेंज नहीं आया है। तो बताइए आप मेरे को इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे। मोमेंटम होता है, संवेग होता है m × v m, और पहले की वेलोसिटी ये दे रखी है 20 i कैप प्लस 25 j कैप और -12 k कैप, ठीक है, ये मान लो आप। और बाद में अब मास, टोटल मास अगर तुम m मानते हो तो बाद में ये m टूट गया, m टूट गया किसमें, 1:5 में, m 1:5 में टूटा, तो 1 वाले को कितना मास मिलेगा, m/6, और 5 वाले को कितना मास मिलेगा, 5m/6। रेशियो ले लिया मैंने, 1 और 5 का टोटल कितना होता है, 6 होता है, तो 1 वाले को कितना मिलेगा, 1/6, है ना, तो 1/6 इस टोटल का, तो m/6 हो गया। 5 वाले को कितना मिलेगा, 5/6, टोटल मास m था तो 5m/6। तो ये इनिशियल मोमेंटम लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या बोल रखा है, स्मॉलर मास, बच्चों जिसका मास कम है, मास कम किसका है, m/6 का, तो m/6 और इसकी वेलोसिटी, इसका वेग ये लिख देना 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, ये आ गया, प्लस दूसरा 5m/6 और उसकी वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है। बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है, संवेग संरक्षण लगाना है। जितने भी कोलिजन्स होते हैं, जितने भी एक्सप्लोजन्स होते हैं, जितनी विस्फोट होती है, जितने टक्कर होते हैं, उसके सवाल करने के लिए संवेग संरक्षण आपको पढ़ाते ही हैं हम लोग। बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये सारे m क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये 6 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो 6 इस 20 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 120 i कैप, प्लस ये 6 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 j कैप, और 6 12 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 72 k कैप, इसकी वैल्यू आएगी 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस 5 v वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे आप डायरेक्टली बताओ मेरे को, केवल आई का नंबर देखो, केवल आई का नंबर देखो, जब ये 100 इधर आएगा तो 120 माइनस 100 कितना हो गया, वो 20 i कैप, ठीक है, वो कितना हो गया, 20 आई कैप हो गया। लेकिन देखो एग्जाम में टाइम बचाना, आप ये इधर आने के बाद, ये सारे नंबर उधर जाने के बाद इधर 5v आएगा और 5v आएगा, तो 5 को जब नीचे ले जाओगे तो i के साथ वाला नंबर 4 आना चाहिए, i के साथ वाला नंबर 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं तो i को इधर लाया, ऐसे j को भी इधर ले जा सकते थे, 35 इधर ले जाते अपन, तो 35 इधर ले जाते, तो ये बचता 115 j, और 5 से डिवाइड करते 115 को तो 23 आ जाता, देखो 23 दिख रहा है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे k को भी ले जाओगे तो जो वहां पे लिखा हुआ है -80 k कैप आ जाएगा, क्योंकि ये 8 इधर आएगा तो 80 आ जाएगा, 80 को 5 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण लगा दोगे तो आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141, बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर है ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर है, फेवरेट टॉपिक्स हैं ये नीट के,
ये आने चाहिए आपको। क्वेश्चन ने बोल रखा है लार्ज रूम है हैविंग एयर टेम्परेचर, बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 लेना है, वातावरण का तापमान एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 लेना है, 12 मिनट में 80 से 70 तक आ रहा है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट यूनिट नहीं लिखी है, 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखो वैसे तो मैं इसे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होगा वैसे वैसे लगने वाला टाइम बढ़ेगा, तो 80 से 70 आने में अगर 12 मिनट लगा है तो 70 से 60 जाने में 12 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, 12 मिनट नहीं लगेगा, 12 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा तो 10 भी नहीं लगेगा, 12 मिनट से ज़्यादा मतलब 15 और 20 में से इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए। एक इक्वेशन होती थी, अगर वो इक्वेशन याद होगी तो आंसर आ जाएगा, क्या होती थी इक्वेशन, थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टी इक्वल्स टू के थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू माइनस थीटा नॉट। बच्चों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन है, ये याद होनी चाहिए, इससे लिख दी, इससे क्या लिखोगे, वही थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टी, ये टी तुम्हें निकालना था, थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टी इक्वल्स टू के थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू माइनस थीटा नॉट। इक्वेशन अगर याद है तो आंसर आ जाएगा, रेशियो ले लो इनका, इनका अनुपात ले लो, इनका रेशियो लेते ये भी 10 था ये भी 10 था, कैंसिल हो जाता, टी ऊपर आ जाता, टी बटे 12 बराबर के से के कैंसिल हो जाता, ये 80 और 70 कितना होता है 150, 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो 75 माइनस 25, इधर 75 माइनस 25 बाकी है, 70 प्लस 60 कितना होता है 130 है ना, 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो 65 माइनस 25, सॉल्व करो इसे, बताओ क्या लिखा हुआ है, टी अपॉन 12 तो टी अपॉन 12 है, 75 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 50 अपॉन आपने 65 में से 25 माइनस किया तो ये आ जाना चाहिए कितना, ये आ जाना चाहिए 40, ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 4 से इसको कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, टी की वैल्यू 15 मिनट मेरे को दिख रही है, यानी कि 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 141 नंबर का। नीट 2019 उड़ीसा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऑल इंडिया में जो नीट का 2019 का पेपर हुआ था वो पहले ही सॉल्व कर रखा है, वो देख लेना आप, ये 141 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन, तो अगला क्वेश्चन जो है 142 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों 142 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत चाल, बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, टर्मिनल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2/9 n है ना, और r² g सिग्मा माइनस रो, ये बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत चाल का फॉर्मूला होता है। अधिकतर सवाल आते हैं जो इससे पहले सालों में आए थे उसमें केवल इतना याद करने से सवाल हो जाता था कि टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के समानुपाती होती है, टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बट इस क्वेश्चन में तुम्हें पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, यहां से तुम ये लिख सकते हो कि VT प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो के, ठीक है, सिग्मा मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वस्तु का घनत्व, और ये माध्यम का घनत्व रो आ जाएगा। बताओ हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो हमें सीमांत चाल टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, हमने रेशियो निकाल लिया, है ना, यहाँ पे आर का रेशियो लिखना पड़ेगा, रेडियस का रेशियो, बच्चों रेडियस आपको दिया हुआ है, त्रिज्या दिए 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, रेशियो ले लिया हमने 1:1, V1, V2, तो यहाँ पे R1, R2 का स्क्वायर, और आएगा यहाँ पे σ1 - ρ1। अब σ1 वो अगर आप देखोगे तो दे मेड टू फॉल वर्टिकली,
इन अ विस्कस मीडियम। अच्छा, इसके ऊपर पढ़ते हैं मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू। बच्चों जो डेंसिटी मटेरियल्स की है, मटेरियल की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो वन रो टू। यहाँ पे वही रो वन लिखना चाहिए था, लेकिन रो वन की जगह तुम आठ रो टू लिख सकते हो। तो आठ रो टू माइनस माध्यम का या मीडियम की डेंसिटी वो लिखनी है। नीचे भी क्या आता, सिग्मा मतलब दूसरा जो मटेरियल, दूसरे मटेरियल की डेंसिटी रो टू दे रखी है, तो वो रो टू लिख दिया, माइनस मीडियम की डेंसिटी, माध्यम का घनत्व। बच्चों माध्यम का घनत्व क्या दिया हुआ है, देखिए, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू एन एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 रो टू। बच्चों जो माध्यम है, मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी 0.1 रो टू दे रखी है, तो 0.1 रो टू, यहां भी 0.1 रो टू। बच्चों अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कुछ खास बात नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दोगे, आंसर आ जाएगा। V1 by V2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और 8 - 0.1 कितना होगा, 7.9। 8 - 0.1 होगा 7.9, और 1 - 0.1 कितना होगा, 1 - 0.1 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 79/36 दिख रहा है ये, दशमलव से दशमलव, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 - 9 = 36 हो गया, 79/36 फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए विस्कोसिटी के चैप्टर में आप स्ट्रोक्स लॉ याद कर लेना, और विस्कोसिटी के चैप्टर में सीमांत चाल टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद कर लेना, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला 143 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चों 143 नंबर के क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चालू कर रहा है, तो ओमेगा नॉट जीरो मान लो, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक कोणीय चाल, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो मान लो, रेडियस आर है, चलो वो तो देख लेंगे। इट अटेन्स वेलोसिटी वी इन एंथ राउंड। बच्चों ये सर्कल में घूम रहा है और एनवे चक्कर के बाद, एंथ चक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी नॉट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है अपने को। बच्चों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, आप हमेशा 1D की इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वो लगाने की कोशिश करना। यहाँ पे टाइम तो मेरे को दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, बच्चों टाइम नहीं दिया है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। थर्ड इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ठीक है। लेकिन ये घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी लिखना, तो इसको ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको 2α θ, बस अब आंसर आ जाएगा। लास्ट में ओमेगा चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता था, तो जब वेलोसिटी वी नॉट हो गई, तब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई होगी, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाय आर हो गई होगी, है ना। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट बाय आर आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देना वी नॉट बाय आर का स्क्वायर। शुरुआत की वेलोसिटी तो जीरो थी, 2α तो मैं चाहिए, थीटा, थीटा होता है एंगल। बच्चों एक सर्कल में, एक रेवोल्यूशन में पार्टिकल 2π घूम जाता है, एक चक्कर करेगा तो 360 डिग्री बनाएगा, तो एक रेवोल्यूशन में वो 2π एंगल बना रहा है, तो n चक्कर में, n रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, n × 2π, ये थीटा की वैल्यू है, n × 2π, बस यही आंसर है। अल्फा की वैल्यू तुमसे पूछी थी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो है ही, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4n π, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4n π आर स्क्वायर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दिख रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इक्वेशंस आनी चाहिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में गति करने वाले कण के आजकल सवाल नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वही पूछेगा। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन पार्टिकल घूम रहा होगा, तो बच्चों का डिफिकल्टी आ जाती है, इसलिए प्लीज़ इस तरीके का क्वेश्चन भी सीख लें आप। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 पे आ गए अपन, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर का क्वेश्चन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन, द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1। बच्चों एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक आदमी सिक्के को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है,
तो सिक्का नीचे गिरता है T1 टाइम में, बताइए T1 टाइम कितना होगा, √2h/g होगा, T1 टाइम कितना होगा, √2h/g होगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि इफ एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, है ना, इन टाइम T2 इफ एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, अच्छा तो कॉइन को जब छोड़ा जाता है, लिफ्ट रुकी हुई है, तब तो T1 टाइम में नीचे गिरता है, और अगर लिफ्ट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब अगर लिफ्ट समरूप तरीके से गति कर रही है, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम T2 लगता है। तो ये बताइए बच्चों मेरे को, ये यहाँ पे सिक्का है, अगर ये लिफ्ट ऊपर V से जा रही होती, आदमी भी इसी लिफ्ट में होता, आदमी ने सिक्के को पकड़ रखा होता, तो ये सिक्का भी अभी ऊपर किससे जा रहा होता, V से। ड्रॉप करने पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी ही माननी पड़ेगी आपको, हमने सिखाया है आपको, ड्रॉप करने पर, मुक्त करने पर जो निकाय की चाल होगी, जो सिस्टम की वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी आपको पार्टिकल की भी देनी है। जैसे मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं तो मेरी वेलोसिटी जीरो है, इस पेन की वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो होगी। मैं कार में चल रहा होता और कार की वेलोसिटी 10 होती, अब मैं इसे ड्रॉप करता तो इसकी वेलोसिटी भी आपको क्या माननी पड़ेगी, 10 माननी पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इस कॉइन को, अगर आपने लिफ्ट अब चल रही है तब ड्रॉप किया है, तो इसकी वेलोसिटी आपको वी माननी पड़ेगी। देखिए यहां पे वापस से समझिए, जब लिफ्ट रुकी हुई है तो लिफ्ट की वेलोसिटी भी जीरो थी प्रारंभिक इनिशियली, और कॉइन को ड्रॉप किया है तो कॉइन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि लिफ्ट में ही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसी के बराबर होगी। अब यहां पे दोनों चीजें चल रही हैं तो हम इक्वेशन लगा देते हैं बच्चों, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाएंगे, लेकिन दोनों चीजें चल रही हैं तो एस रिलेटिव, बताइए दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एच, तो ये एच लिख देना यहाँ पे। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो दिख रही है, देखिए दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में वी और वी से चल रहे हैं, तो वी और वी से सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव निकालोगे तो वी माइनस वी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ बच्चों रिलेटिव एक्सेलरेशन जी आ जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। बच्चों बॉल हवा में आ जाएगी, उसका एक्सेलरेशन जी आ जाएगा, बॉल या कॉइन जो भी हो, और लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जी आ जाएगा और टी स्क्वायर। यहां से भी आप देखेंगे टी की वैल्यू वही आ रही है √2h/g, ये T2 है, तो यहां से T1 T2 आपको क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने डिटेल में समझाया है आपको, अदरवाइज आपको इक्वेशन नहीं लगानी चाहिए थी, आपको ऐसे सोचना चाहिए था जब लिफ्ट रुकी हुई है तब भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, और लिफ्ट चलेगी तब भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, और यहाँ पे भी नेट एक्सेलरेशन जी है, यहाँ पर भी नेट एक्सेलरेशन जी है, ना तो वेलोसिटी चेंज है ना तो एक्सेलरेशन चेंज है, तो सारे आंसर सेम ही आएंगे टाइम के, क्योंकि टाइम की इक्वेशन में यू मतलब आप देखो इस इक्वेशन में यू और ए ही आता है, और यू और ए सेम है तो टाइम भी सेम आएगा। अच्छा सवाल है, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला 145 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, चलिए 145 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। बच्चों एक ट्रक है जिसमें अपन ने एक बॉब को लटका रखा है ना इस तरीके से, और ट्रक सडनली मूव्स राइट, बच्चों ये आगे जाता है ए एक्सेलरेशन से, अगर ये आगे ए एक्सेलरेशन से जाता है तो इस पे सूडो एक्सेलरेशन पीछे लगेगा ए, नीचे धरती माता का एक्सेलरेशन जी लगेगा ही, कुछ देर बाद ये प्यारी रस्सी ऐसी हो जाएगी, इधर ए इधर जी, और ये एंगल कितना बना रखा होगा इसने थीटा, ठीक है ये एंगल भी थीटा मान सकते हो, वही रस्सी है, यहाँ से देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन जी, ए अपॉन जी
ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, हम याद कराते हैं ए बराबर जी टेन थीटा, वही लिखा हुआ है ए बराबर जी टेन थीटा, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्टली यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमने जो लिखी है ए बाई जी, वही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर आना चाहिए टेन इनवर्स ए बाई जी, टेन इनवर्स ये तो गलत ही हो गया, ये तो जी बाई ए लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया, ये भी साइन लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया, टेन इनवर्स ए बाई जी केवल यही एंगल सही है और ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉपी में कराते हैं हम और पहले भी नीट में आ चुका है ना, तो शीट सॉल्व की होगी तब भी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 145 तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ पहुंचते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 146 बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 146 जो है इसमें अपने को दिया हुआ है यूट्यूब, जैसा कि मैंने बोला आपको यूट्यूब आपको दिया हुआ था इस यू शेप ट्यूब में, आपको क्या बोला गया है, वाटर और ऑयल, पानी और तेल का मिश्रण है बच्चों, है ना, अलग अलग शो किया हुआ है पानी और तेल है ये, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड इधर वाटर है, ये ऑयल दिया हुआ है, हाइट ऑफ बॉटम ऑफ वाटर ये 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी तुम्हें बतानी है कितनी होगी, ठीक है बच्चों। इस यहाँ पे ना सेम हाइट पर सेम प्रेशर होता है, इस हाइट पर तुम प्रेशर सेम कर दो बस, क्योंकि ये यहाँ पे बैलेंस है, अगर ये वाला प्रेशर ज़्यादा होता तो ये इधर जा रहा होता, ये वाला प्रेशर ज़्यादा होता तो ये इधर जा रहा होता, ये कहीं नहीं जा रहे, मतलब प्रेशर सेम कर दो भाई तुम P1 P2। प्रेशर की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, रो वाटर का इंटू जी इंटू एच, और इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, रो ऑयल का इंटू जी इंटू एच, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो ऑयल का आपसे पूछा गया था वो आ जाएगा 15 रो वाटर अपॉन 20, यानी कि 15 रो वाटर का है 1000 अपॉन 20 बच्चों, 20 से आप ये कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा, और 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यू शेप ट्यूब के फ्लूइड में क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रेशर सेम कर देते आंसर आ जाता, ठीक है। तो उड़ीसा नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन 2019 के, उसी में आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 147 नंबर के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने देखना है बच्चों वो 147 क्वेश्चन जो था, इसमें आप देखिए इसमें बोला क्या हुआ है कि एक डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, ठीक है, एक झील दे रखी है अपने को जो रेक्टेंगुलर है, तो ये एक झील बना लेते हैं अपन इस तरीके से, है ना, और इसका एरिया ए दिया हुआ है, क्षेत्रफल ए है इसमें, एरिया ए, ये एरिया ए यूज़ करना है अपने को, डेंसिटी रो यूज़ करनी है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट एस यूज़ करनी है, और बाहर का टेम्परेचर -26 है। अब बाहर का टेम्परेचर -26 है ना, तो इस झील के ऊपर बर्फ़ जमने लग जाएगी, और इसके ऊपर बर्फ़ जमने लग जाएगी तो किसी समय पे बर्फ़ की मोटाई x दे रखी है, तो हमने मान लिया कि इस पे बर्फ़ जम चुकी है कुछ, ठीक है, और इस बर्फ़ की मोटाई कितनी है, इस बर्फ़ की मोटाई x है, तो इस पे बर्फ़ जम चुकी है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव है, है ना, जिस देशों में बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव होता है उसमें ऊपर बर्फ़ जम जाती है समुद्र या झील के ऊपर, और थर्मल कंडक्टिविटी है ना उसमें क्या लगता है, बर्फ़ की दे रखी है आपको, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, मतलब गुप्त ऊष्मा दे रखी है, अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में थिकनेस कैसे बढ़ रही है, समय के सापेक्ष ये बर्फ़ की मोटाई कैसे बढ़ रही है। मान लीजिए अगले कुछ समय में ये बर्फ़ की मोटाई बढ़ के डी एक्स और बढ़ गई, कितने समय में, डी टी समय में, तो हमें निकालना क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमें निकालना है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। हमने मान लिया कि अगले समय में कुछ समय में मोटाई इसकी बढ़ गई, डी एक्स बहुत छोटा है यहाँ पे बताया, बहुत बड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी मोटाई और बढ़ गई, जो इस बर्फ के संपर्क में पानी होगा उसका टेम्परेचर जीरो होता जाएगा, इसीलिए वो बर्फ में जमता चला जाएगा, और ये नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है कि बर्फ के संपर्क में जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा, सबसे नीचे जो पानी है पूछा हुआ नहीं है बट उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है,
इसीलिए समुद्री जीव जंतु वो बचे रह जाते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तल या बेस का टेम्परेचर रहता है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंडक्शन का सवाल है, कंडक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बच्चों इसमें वी इक्वल टू आई आर, हम तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टाइल में करते थे क्वेश्चन। वी का काम यहाँ पे डेल्टा थीटा करता है, मतलब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं। आई करंट होता था, करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होता था, आवेश का प्रवाह होता था, यहाँ ऊष्मा का प्रवाह होगा। ऊष्मा का प्रवाह मतलब आप इसे dQ/dt लिख सकते हो। और R, R की वैल्यू आ जाएगी L/kA या X/kA, है ना। हीट इसी मोटाई में जा रही होगी तो X/kA आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा थीटा टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, बाहर का टेम्परेचर -26 है, ये टेम्परेचर 0 है, इसका डिफरेंस 26 आ गया, ठीक है, डेल्टा थीटा 26 आ गया। dQ बच्चों हीट लिखनी है आपको, तो ये पानी धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है तो हीट की ज़रूरत क्या पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी m × L। लेकिन केवल ये dx मोटाई की जो ऊष्मा है ना, या इस dx मोटाई को कितनी हीट चाहिए केवल वही लिखना पड़ेगा। तो dx मोटाई के लिए हीट चाहिए dQ, इसको dm × L लिखना पड़ेगा। dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी dm/dv आ गया। तो dm की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ρ×dv आ जाएगी। और dv को आप क्या लिख सकते थे, dv को a×dx लिख सकते थे, dv को आप लिख सकते थे a×dx। तो dm की जगह यहाँ पे लिख सकते थे अपन, ये dQ का फॉर्मूला है, dQ का फॉर्मूला है dm×L, dm की ये वैल्यू है। तो देखिए डेल्टा थीटा तापमान में अंतर 26 लिख दिया है, dQ, dQ की वैल्यू लिखनी चाहिए dm×L, dm की वैल्यू थी ρ×a×dx×L, ठीक है ना। ये dQ की वैल्यू यहाँ से लिख दी, dm×L, dm की वैल्यू यहाँ से आ गई है। और नीचे dt था, नीचे dt रहने दीजिए, और इधर था x/kA। अब बच्चों यहाँ से अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है dx/dt, ये दिख रहा है dx/dt, ये आप वैल्यूज इसमें निकाल सकते हैं। तो बताइए dx/dt की वैल्यू निकालते हैं, तो ये a से ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 26k, ये 26k ऊपर आ गया और ρ×L/x नीचे आ गया, ρ×L/x नीचे आ गया, यही dx/dt की वैल्यू आ रही है। तो dx/dt की वैल्यू आ रही है 26k/ρ×L/x, 26k/ρ×L/x, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 148 बहुत ही आसान सा सवाल दिख रहा है मेरे को। पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है, इस सब का इस्तेमाल करके ये एनर्जी गैप है, तो लाइट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता था HC/λ, है ना, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और HC की वैल्यू होती थी 12,420/λ, एंगस्ट्रॉम में आ जाता था बच्चों ये। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो एंगस्ट्रॉम में, कितना आ जाएगा, 12,420/1.9, 12,420/1.9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे अगर आप इसे देखोगे, अगर इसे दो मानते आप, इसको अगर आप दो मानो तो दो से ये कैंसिल करते तो कितना आता, 2,612 और 6,210 एंगस्ट्रॉन्ग, इतने एंगस्ट्रॉन्ग आता बच्चों। और 6,110 एंगस्ट्रॉन्ग तो है नहीं, एक ज़ीरो हटाओगे तो ये नैनोमीटर में बदल जाएगा, तो 654 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग में। तो 6,000 में आंसर आना चाहिए था एंगस्ट्रॉन्ग में, तो एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10^-10 अगर लिखी हो तो 6,000, लेकिन 654 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनो मतलब 10^-9 हो जाएगा, एक ज़ीरो हटाओगे तो 10^-10 से -9 आ जाएगा। तो सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगला सवाल 148 के बाद क्वेश्चन नंबर 149 बच्चों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 149 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, इसकी ट्रुथ टेबल बना लोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं बच्चों अपन। आप ये बताइए इसमें अपन ए बी और वाई पे अपने को इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देख लेते हैं। इसको क्लोज कर दो, इसको ऐसे जोड़ दो। इसको जोड़ने का मतलब क्या है, ए जब 1 हो गया और बी ओपन रखो, बी 0 रखो,
तो ये बताओ मेरे को आप कि ये एलईडी जलेगी नहीं, फिर समझ रहे हो, ये एलईडी नहीं जलने वाली है। क्यों ये एलईडी नहीं जलेगी बच्चों? ये एलईडी इसलिए नहीं जलेगी क्योंकि ये प्लस है, प्लस सिक्स, और ये ज़ीरो है, तो सारे का सारा करंट वो यहाँ से, ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना, यहाँ से जो भी करंट आया हाई से, अब वो थोड़ा आगे भी जा सकता था, बट इस एलईडी का यहाँ पे, ये एलईडी के साथ क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो दो रास्ते दिखे इस करंट को, एक ये वाला रास्ता दिखा, एक ये वाला रास्ता दिखा। इस रास्ते में कोई भी इसको रेजिस्टेंस नहीं दिखा तो ये इधर से ही चला जाएगा। अगर इसी तरीके से आप ए को ज़ीरो रखते और बी को वन रखते तब भी आंसर ज़ीरो ही आता, क्योंकि अब आप इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, ये ओपन ही रहता, तो जो भी करंट यहाँ से आया हाई से, उसको दो रास्ते दिखते, एक ये वाला रास्ता दिखता है, एक ये वाला रास्ता दिखता, सारा करंट यहीं से चला जाता, तो इसमें भी आ जाता। अगर आप दोनों को ज़ीरो ज़ीरो रखेंगे तो बच्चों ज़ीरो ज़ीरो रखने का मतलब क्या होगा? ज़ीरो ज़ीरो रखने का मतलब, इसको मैं अगर आपको बताऊं, ज़ीरो रखने का मतलब, ये सब हटा देता हूं एक बार फिर बताता हूं आपको। देखिए ज़ीरो रखने का मतलब क्या होगा कि अगर आपने यहां पे इसको भी ओपन कर रखा है, इसको भी ओपन कर रखा है, दोनों ही ओपन हैं आपके स्विचेस, तो यहां से करंट आएगा हाई से, इधर रास्ता ही नहीं है, इधर रास्ता ही नहीं है, तो करंट इधर से चला जाएगा, और करंट इधर से जाएगा तो ये जल जाएगा, तो ये ग्लो करेगी। तो ज़ीरो और ज़ीरो में ये कितना दिख रहा है? वन दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप दोनों को वन वन रख देते हो, दोनों को वन और वन रखते हो, तो ये बताओ अगर ये भी वन है, ये भी वन है, मतलब ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करंट इधर से आएगा वो शॉर्ट सर्किट से ही इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वन और वन में भी ये कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो आप ये बताओ मेरे को कि ये टेबल किसकी दिख रही है? ए प्लस बी। अगर a प्लस बी तुम इसका आंसर मानते तो 1 प्लस जीरो का आंसर 1 आना चाहिए था, मतलब a प्लस बी का बार है ये, 0 और 1 का अगर प्लस करते हम तो कितना आना चाहिए था? 1 का उल्टा हो गया, 0 प्लस जीरो, 0 आता, 0 का उल्टा हो गया, 1 प्लस 1, 1 आता, 1 का उल्टा हो गया। ये बच्चों a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है, a प्लस बी और होता है, और के आगे नॉट और लगाना पड़ेगा आपको, और का उल्टा है ये, तो नॉर हो जाएगा ये, नॉर मतलब फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ट्रुथ टेबल बना लेना, वापस से मैं बोल देता हूँ, इसको बनाने के लिए एक्चुअली करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे कि पॉइंट्स इसमें बिल्कुल सिंपल से हैं, आपने अगर इसको कनेक्ट कर दिया है ना, ए वन हो गया तो एलईडी नहीं जलेगी, बी वन हो गया तब भी एलईडी नहीं जलेगी, ए और बी दोनों वन हो गए तब भी एलईडी नहीं जलेगी, एलईडी केवल एक केस में जल रही है, जब दोनों जीरो जीरो हैं एलईडी केवल तभी जल रही है। क्यों जल रही है तब एलईडी? क्योंकि अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो हाई से जो भी करंट आएगा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो इसी रास्ते से होता हुआ यहाँ जाएगा, तो जब दोनों ऑफ होंगे तो जीरो जीरो में वन मिल रहा है, ये नॉर में मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो, नॉर इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेना, ट्रुथ टेबल बना लेना, आसान सही सवाल है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगला 149 के आगे क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाते हैं अपन। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 में गामा की वैल्यू निकालनी है हाइड्रोजन के लिए। बच्चों हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, डायटोमिक के लिए द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है, तो गामा इसका आ जाएगा 7/5। गामा Cp/Cv होता है, तो नीचे F लिख दिया करो, ऊपर F+2 लिख दिया करो, तो ये आ जाएगा, या 1+2/F ऐसे फॉर्मूला अगर आपको याद हो, गामा की वैल्यू यही होती है, तो लिख देना ऊपर 5+2 7/5 आ जाएगा। हीलियम, हीलियम मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, और 3 होती है तो गामा की वैल्यू आ जाएगी नीचे 3, नीचे F, ऊपर 3+2 यानी 5। और बच्चों अनदर डायटोमिक गैस, अच्छा दूसरी अगली भी डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणु है, बट इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती हैं, तो डायटोमिक द्विपरमाणु में 2 और जोड़ दोगे तो वो 7 हो जाएगी, तो अब गामा की वैल्यू हो जाएगी 7+2 9/7, है ना, तो 9/7 5/3 और 7/5 आ जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए 7/5 फिर 5/3
और फिर 9x7 9x7 यानी कि फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, याद करना है चीज़ें, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 151। बच्चों क्वेश्चन नंबर 151 आपको ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है और ऑप्टिक्स का भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बच्चों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर पी है, पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय अ प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे इसको काट दिया तो ये इस तरीके से कट गया। ठीक है बच्चों, ये बताओ फोकल लेंथ तो सेम ही रह गई ना, फोकल लेंथ कहाँ चेंज हुई, इनकी रेडियस वेडियस कुछ चेंज ही नहीं हुई। ये ऐसे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे आप ऐसा कोई अपने पास स्फीयर होगा, इसी स्फीयर में से तो काटा गया था ना ये, है तो इसकी रेडियस चेंज ही नहीं हुई, इसकी फोकल लेंथ चेंज ही नहीं हुई। और अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है तो पावर भी चेंज नहीं होगी, पावर सेम रहेगी, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ऑप्टिक्स के नोट्स में ऐसे सवाल भरमार पड़े रहते हैं, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है, पावर चेंज नहीं होगी, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और अगला 152 नंबर का क्वेश्चन, बताइए बच्चों 152 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों आ गया, नो इनिशियल फेज डिफरेंस, फिफ्थ मिनिमा, बच्चों फिफ्थ मिनिमा के लिए क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। बच्चों पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2n-1λ/2। तो n की वैल्यू 5 रख दो, यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखोगे, 2 × 5−1 × λ/2, तो 10−1 9λ/2, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 9λ/2, है ना। लैम्डा 2λ 3λ 4λ इस पे मैक्सिमम मिलता था, 0λ 2λ 3λ पे, और λ/2 3λ/2 5λ/2 इस पे मिनिमम मिलता था। तो 2n-1 बोलते हैं, ये तो फॉर्मूला सबको याद रहता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 153 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 153 अगेन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा डबल कॉन्वेक्स लेंस, 25 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है इसकी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन इज डबल ऑफ अदर, रेडियाई फाइंड द रेडियस। बच्चों रेडियस निकालनी है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू आती थी μ-1, है ना, तो 1.5/1−1। एक्चुअली यहाँ पे म्यू रिलेटिव लिखते थे, म्यू लेंस का, म्यू मीडियम का, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो मीडियम एयर मान लो, और 1/r1−1/r2, 1/r1−1/r2, लेकिन इनकी रेडियस, एक की रेडियस दूसरे की डबल है, तो एक का r मानोगे तो दूसरे का 2r मानोगे और वो माइनस में आएगा ही। बोलो यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ से 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.5−1 यानी 0.5, और ये प्लस हो जाएगा, और 1+1/2 3/2r, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा r का। फोकल लेंथ 25 दे रखी है आपको, 25 यहाँ पे 25 लिखोगे, r को इधर ले जाता हूँ मैं, r की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 3/2 × 25, ये 25 इधर आ गया, r की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप निकाल सकते हो। 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो ये आ गया 75/4, क्योंकि 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, 0.5 को 1/2 लिखा है तो 75/4 आ जाएगा। 75/4 कितना होता होगा, 75/4 आप निकाल लो, 4 × 1 = 4 आ गया, और 1 आ गया तो 35 तो 4 × 8 = 32 आ गया, 30 बाकी रह गया, तो 4 × 7 = 28, 20 बाकी रह गया, तो 18.75 केवल इसी में दिख रहा है, और 18.75 का दुगना कर लेते तो 37.5 भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, 1/f = μ(λ)·μ(μ)−1/1/r1−1/r2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए, ये 153 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 154 की। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है अपने को, दो बुलेट्स को फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली, एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ, रूफ टॉप से किसी ऊंचाई से, 100 मीटर अपार्ट है और हाइट 200 मीटर है। बच्चों 200 मीटर की दो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं
200 मीटर की, ये बिल्डिंग है 200 मीटर की, इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है। और इनको बुलेट्स को जो फायर किया गया है, बुलेट्स की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट्स को फायर किया गया है 25 मीटर पर सेकेंड से बुलेट्स को फायर किया गया है। कब कहाँ ये मिलेंगी ये बताना है। पर जो 2D मोशन का क्वेश्चन है, 2D मोशन को हम x और y को अलग अलग देखो, केवल x डायरेक्शन की बात करो, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जी तो नीचे लग रहा होगा बच्चों। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इक्वेशन होती है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम बताइए, ये स्पीड इनटू टाइम ये कितना चलेगा, x डायरेक्शन में 25t, स्पीड इनटू टाइम 25t, ये कितना चलेगा स्पीड इनटू टाइम यानी 25t, तो टोटल मिला के ये कितना चलेंगे 50t चलेंगे, टोटल मिला के ये कितना चलेंगे 50t चलेंगे। इस 50t की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी, 50t की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड के बराबर, 2 सेकंड बाद ये मिलेंगे। फिर y डायरेक्शन की बात करो, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो है नहीं, क्योंकि इन्हें हॉरिजॉन्टली फेंका है, क्षैतिज फेंका है, तो y डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है तो आंसर आ जाएगा हाफ, g की वैल्यू 10, t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल करोगे, 20 मीटर नीचे गिर जाएंगे ये 2 सेकंड में। 20 मीटर अगर नीचे गिर गए तो 200 मीटर ऊंचाई थी, 20 मीटर नीचे गिर गए तो 180 मीटर ऊंचाई पर 2 सेकंड बाद ये मिलेंगे, 180 मीटर की ऊंचाई पर 2 सेकंड बाद ये मिलेंगे, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 154 के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 155। बच्चों क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, 155 नंबर के क्वेश्चन में बोल रखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो हम बनाते हैं वो हम प्रत्यास्थता में बनाते हैं, इलास्टिसिटी के चैप्टर में बनाते हैं। शुरुआत में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो आता है ना, प्रतिबल और विकृति के मध्य वक्र आता है, ये शुरुआत में स्ट्रेट लाइन आता है, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं अपन, है ना। और इसके बाद ये कर्व इस तरीके से आ जाता है। तो एक्स और वाई दो के लिए बनाया गया है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन के बाद ये जो पॉइंट आता है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसके बाद वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का रीजन, एक का तो पास में दिया हुआ है, एक का रीजन इसका कम दिया हुआ है, पास में दिया हुआ है एक्स के लिए, और दूसरे के लिए ये क्या दिया हुआ है, दूर दिया गया है। बच्चों जिसका ये रीजन जितना ज्यादा होगा, है ना, जिसका ये रीजन जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से तार में बनाया जा सकता है उसे, है ना, और जिसका ये रीजन जितना छोटा होगा वो उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स, अब ये क्लोज है, अब ये रीजन अगर क्लोज है ना, इसका मतलब वो मटेरियल आसानी से टूट जाएगा, वो मटेरियल ब्रिटल होगा, ब्रिटल, है ना। और जिसका ये रीजन दूर होगा उससे हम क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं, तो वो डक्टाइल मटेरियल होगा। इसीलिए 155 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं इलास्टिसिटी के टॉपिक में, याद कर लेना, ये अगर रीजन कम हो गया तो वो जल्दी टूट जाएगा, है ना, तो भंगुर वस्तु हो जाएगी, और अगर ये रीजन ज़्यादा हो गया तो वो तन्य वस्तु हो जाएगी, उसको तान के आप क्या कर सकते हो, तार बना सकते हो। और इंग्लिश में मैंने बोला ही, जिसका ये रीजन पास में होगा वो ब्रिटल होगा, जल्दी टूट जाएगा, और जिसका ये रीजन दूर होगा वो डक्टाइल होगा, उससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, अगला सवाल आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस पे किसी बॉडी को रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हुआ है, ये मूव नहीं कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय f द रिजल्टेंट। तो बच्चों ये बताओ, एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे तुमने फोर्स आगे लगाया लेकिन ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है तो पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू इंटू एम जी, ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, और ऊपर एन लग रहा होगा, एन की वैल्यू एम जी के बराबर होगी, जी नहीं एम जी नीचे लग रहा होगा, ये नहीं चल रहा है। अब आपसे बोला इसका रिजल्टेंट बताओ, तो इस पर कुल मिला के नीचे तो लग रहा है, मतलब पीछे तो लग रहा है म्यू एम जी,
ऊपर लग रहा है n, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, म्यू एम जी का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, n की खुद की वैल्यू mg है, यहाँ से mg बाहर ले लो, रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे कमी फोर्स लगाया होगा आपने, ये मैक्सिमम फोर्स है ना, तो म्यू एम जी क्यों पीछे लगाया मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इट डज नॉट मूव, तो आपने आगे जितना भी फोर्स लगाया होगा म्यू एम जी से तो कमी लगाया होगा फोर्स, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और एन की वैल्यू तो एम जी के बराबर ही होती है, रिजल्टेंट या परिणामी निकाल लेना, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अपन 157 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 में बच्चों क्या बोल रखा है, पार्टिकल ऑफ मास 5m रेस्ट पर है, बच्चों 5m मास ये रेस्ट पर है, और तीन पार्ट्स में टूट रहा है, दो पार्ट ऑफ मास m और ये m, दो पार्ट तो जा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर विद स्पीड v एंड v, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा रखा है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि इनिशियली ये रुका हुआ है, तो बच्चों फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम जीरो कैसे होगा, ये v और v है, तो जो 3m बाकी रहेगा क्योंकि टोटल मास 5m था, ये m और m है तो ये 3m होगा, तभी टोटल मास 5m होगा, इसको जाना पड़ेगा इधर किसी वेलोसिटी v नॉट से, और मोमेंटम इनका कैंसल होने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, बोलिए मतलब इसका अगर मैं P1 बोलूं, इसको P2 बोलूं और इसको P3 बोलूं, तो अपने पास होना चाहिए था P1 की वैल्यू रूट P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर, ठीक है, तो बताओ P1 का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3m v नॉट मोमेंटम या संवेग, और इन दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m into v का स्क्वायर और m into v का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3m v नॉट, ये कितना है mv square बाहर आ जाएगा m v root 2 और v नॉट की वैल्यू आ जाएगी v root 2 by 3, ये वैल्यू आई है अपने पास, लेकिन अपने को इसमें क्या निकालना था, अपने को बच्चों इसमें निकालना था एनर्जी, तो एनर्जी अगर निकालोगे तो एनर्जी के लिए जगह चलो इधर लिख देता हूँ मैं, अपने को चाहिए एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सबका ऐड करो, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी पहले वाले की हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाले की एनर्जी भी यही होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको डबल कर दो, और तीसरे वाले इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम और वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर बच्चों यहाँ से कितना लिखोगे वी स्क्वायर इंटू 2/3 है ना, वी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और नीचे 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो, वी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, बोलो ये कितना आ रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, एक 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये एम वी स्क्वायर बाय 3 और ये एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 3 ये 4/3 एम वी स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, 1 + 1/3 4/3 फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 157 नंबर का आंसर आ जाएगा फोर्थ अपने पास, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं अपन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बच्चों ये आपको दिया गया है 158 नंबर का क्वेश्चन, तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम का, ठीक है, और 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम का मास है, आधा किलोग्राम का मास दिया हुआ है, और वेरिएबल फोर्स लग रहा है एफ और एक्स का ग्राफ दिया ही हुआ है, आपको वेलोसिटी बतानी है 8 और 12 सेकंड पे, और इसमें इनिशियली ये रेस्ट से चालू हुआ है ये भी बोला हुआ है। बच्चों आप वर्क पावर एनर्जी में एक अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो लगाइए कार्य ऊर्जा प्रमेय, कि कार्य डेल्टा के बराबर है, डेल्टा के को आप के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते थे, इनिशियल गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस फॉर्मूले से डब्ल्यू इक्वल्स टू के फाइनल। बच्चों डब्ल्यू यहाँ पे एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया को के फाइनल के बराबर करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स,
बच्चों एफ डॉट डी एक्स मतलब एफ और एक्स वक्र का क्षेत्रफल, एफ और एक्स कर्व का एरिया, एफ और एक्स आपको दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 8 सेकंड तक का एरिया निकालो, क्योंकि 8 सेकंड की वेलोसिटी पूछी हुई है, तो 8 सेकंड तक का एरिया, एक ये एरिया आएगा, ये एरिया कितना आएगा, 5 × 20, 5 × 20 यानी 100 हो गया ये एरिया। इसके आगे वाला एरिया 5 और 8 कितना हुआ, 3, 3 और ये ऊपर कितना है 10, 3 और 10 मतलब ये 30 हो जाएगा, तो ये एरिया आया 130। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास 8वें सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाएगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 × 130, तो v की वैल्यू आ जाएगी √4 × 130। बच्चों 2 × ये अगर मैं 121 मानता, 130 को 121 मानूं मैं, तो ये बाहर आ जाएगा 11, तो आंसर 22 से भी बड़ा आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे 121 माना है। 22 से बड़ा पहला ऑप्शन, 22 से बड़ा पहला ऑप्शन यानी सेकंड या थर्ड में से ही आंसर आएगा, ये तो 22 से छोटे आ रहे हैं, 130 तो 11 से भी बड़ी संख्या आएगी ना, 11 से बड़ा नंबर मतलब आंसर 22 से भी बड़ा आना चाहिए, तो 23 आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाला फिर से अपने को एरिया निकालना पड़ेगा, बच्चों ये एरिया कितना है, अब अपन ना 12 की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ तक का तो एरिया है हमारे पास कितना 130, ये एरिया कितना आ जाएगा, बच्चों ये 8 से 10 ये 2 है और ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 25, तो 2 × 25 मतलब ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया कितना था, फॉर्मूला वही है वर्क इक्वल्स टू के फाइनल, ये एरिया कितना था 130, तो ये 130 लिख देना, इस बार माइनस 50 करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया नीचे आ रहा है, तो ये माइनस 50, और ये वाला एरिया फिर से प्लस होगा, ये वाला एरिया कितना आएगा 2 × 10, क्योंकि 10 से 12 ये 2 हो जाएगा और ऊंचाई 10 है, 2 × 10 = 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 बराबर के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ ये कितना आ गया, 150 माइनस 50 100 हो गया, 100 × 4, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 400 आ रही है, वी की वैल्यू 20 के लगभग आनी चाहिए, ये 20.6 दिया हुआ है, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये तो 24.4 था जो नहीं आ रहा है, ठीक है। ढंग से एरिया निकाल लेना, प्लस माइनस करोगे आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, इससे वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 158 क्वेश्चन के आगे, 159 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर है 2 किलोग्राम का, ठोस बेलन है 2 किलोग्राम का, 50 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ता है, तो ऐसे बना लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का कुछ एंगल दिया हुआ है क्या, हाँ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे ये क्या करता है, इट रोल्स अप, रोल्स मतलब बच्चों लोटनी गति कर रहा है ये, तो यहाँ से ये जो बेलन है ठोस बेलन, ये चल भी रहा होगा घूम भी रहा होगा, मतलब ये लोटनी गति कर रहा होगा, तो बच्चों यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, सबसे नीचे कौन सी एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r² ये सबसे नीचे एनर्जी होगी, चलने वाली और घूमने वाली दोनों एनर्जी होगी, जब ये एच हाइट पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए ये एच हाइट होती, एच हाइट पर इसकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम जी एच में, बचो एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4² / 2 और 1 + k² / r² बच्चों सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² / 2, ये जो 1/2 है यही k² / r² की वैल्यू होती है, तो k² / r² की वैल्यू इसलिए 1/2 लिख दी, ये जी एच के बराबर आ गया है। बच्चों ये 16/2 कितना हो जाएगा 8 और 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 और इधर 10 और एच तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी, ये इसे कैंसिल कर देना, 4 × 3 = 12 और 10 से भाग दोगे तो h की वैल्यू आ रही है 1.2 मीटर, 1.2 ऑप्शन भी है, 1.2 टिक मत कर देना, h नहीं पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन प्लेन, आपसे डिस्टेंस कौन सी पूछी है, आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन पे कितनी दूरी चलेगा, इसको एक्स मान लो अगर, तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी h बाय एक्स के बराबर, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंबटेकर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन 30 1/2 होता है,
h की वैल्यू 1.2 है, x आपने निकालना था, x की वैल्यू 2.4 मीटर आ जाएगी, 2.4 मीटर फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 160 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 160 में टू टोरॉइड्स, बच्चों टोरॉइड पढ़ा होगा आपने, दो टोरॉइड्स दे रखे हैं जिनमें एन की वैल्यू 200 और 100 दे रखी है, एवरेज रेडियाई 20 और 40 दे रखी है, करंट सेम है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, फॉर्मूला याद करना चाहिए पड़ेगा आपको। तो अगर आप बी वन बी टू निकालोगे है ना, तो म्यू नॉट तो कैंसिल आ जाएगा, एन वन एन टू, तो एन वन पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पहले में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अब ये एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि लेंथ होती थी 2πr के बराबर टोरॉइड में, ये तो सोलेनोइड का फॉर्मूला होता था, इससे ही टोरॉइड में बदलने के लिए एन को क्या लिखते थे अपन, एन बाय एल, घेरा घनत्व या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे आपको इस n की जगह क्या लिखना चाहिए, देखिए 2π भी कांस्टेंट है तो ये n बाय r और i भी सेम है, i भी सेम है, तो आपको b1 बाय b2 निकालना है तो n1 बाय r1 डिवाइड बाय n2 बाय r2 ये लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, n की वैल्यू लिखी है वहाँ से, तो n की जगह n बाय r आएगा, बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट है, तो n बाय r पहले का भी लिखना पड़ेगा, n बाय r दूसरे का भी लिखना पड़ेगा, बताओ पहले का n बाय r कितना है, पहले का n है 200 और पहले का R है 40, तो 200/40, दूसरे का N कितना है 100 और 20, तो 100/20, तो ये तो मेरे को दिख रहा है 5 और ये भी 5, 5:5 मतलब 1:1 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टोरॉइड के लिए तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए, टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, एन होता है घेरा घनत्व, करंट टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोरॉइड की लंबाई 2πr होती है, r औसत या एवरेज रेडियस होती है, तो फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा 160 का फर्स्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, 161 नंबर का क्वेश्चन। 161 नंबर के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्या बोला हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर आई है, ये आई करंट यहाँ से अंदर आ रहा है, ये टूट जाता है I1 में और I2 में, द रेडियस आर है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी, बच्चों सेंटर पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो आपको निकालना पड़ेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों कि अगर ये यूनिफॉर्म लूप है, अगर ये यूनिफॉर्म लूप है, किसी भी यूनिफॉर्म लूप में अगर आई करंट आता भी है और आई करंट बाहर भी जाता है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमेशा जीरो रहेगा। अगर आई करंट आता है, आई करंट बाहर जा रहा है, कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं है सर्कल है, अगर ये ट्रायंगल भी होता, इसमें आई करंट आ रहा होता और आई करंट बाहर जा रहा होता, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के कारण जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन आपको बताया हुआ है, देखिए इस I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर आएगा और इस I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। जब इसका डेरिवेशन करते हैं अपन, तो आंसर आ जाता था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन है इसका, जीरो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन आपको नोट्स में हमने करा रखा है, कोई भी शेप हो, कैसा भी शेप हो, है ना, बस यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं ये आधा कोई और वायर है, ये आधा कोई और वायर है, तो फिर नहीं आएगा, फिर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फिगर था, एक ही तार से बनाया हुआ फिगर था। अगर आई धारा प्रवेश कर रही है, आई करंट एंटर कर रहा है, आई करंट लीव भी कर रहा है, तो बच्चों सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉपी में काफ़ी बार कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं अपन, 162 नंबर के क्वेश्चन पे आए अपन, बताइए 162 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द वेरिएशन ऑफ EMF विद टाइम फॉर फोर टाइप्स ऑफ जनरेटर्स गिवन, विच अमंग देम कैन बी AC, बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट अपने को बताना है कि कौन सा हो सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आप ये बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट में टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा में आवर्तकाल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आवर्तकाल सेम,
साइकिल सेम, ये सभी फिगर्स में दिख रही है। देखिए ये फर्स्ट वाला फिगर है, ये इस तरीके से आगे जाएगा, है ना, तो इसका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम ही आएगा। जैसे ये साइकिल प्लस में है वैसे ही ये साइकिल माइनस में है, यहाँ पे भी जैसी ये साइकिल प्लस में है वैसी ही ये साइकिल माइनस में है, जैसी ये साइकिल प्लस में है ऊपर वाला भाग प्लस, वैसी ही ये साइकिल माइनस में है, जैसी ये साइकिल प्लस में है वैसी ही ये साइकिल माइनस में है। इसलिए हम बोलने वाले हैं सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। मतलब आप कोई भी चित्र बना दो, बस जैसा वो चित्र प्लस में बनाओगे आप, वैसा ही वो चित्र अगर माइनस में बना रखा है तो वो प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल माना जा सकता है। समझ रहे हो आप, अपने आप को दोहराना चाहिए, उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे सिमेट्रिकल एसी थे, इसको भी एसी कह सकते हो आप। ये ऊपर इस तरीके से आता और नीचे स्क्वायर आ जाता, लेकिन अगले टाइम पीरियड में भी फिर यही होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, जो अपनी दिशा बदले, जो प्लस से माइनस जाए और हर टाइम के बाद अपने को रिपीट करे। तो ये एक एक टाइम पीरियड के लिए बता रखा था, तो इस टाइम पीरियड के बाद ये सब अपने आप को रिपीट भी करेंगे, इसीलिए ये सारे ही अल्टरनेटिंग मानने पड़ेंगे आपको। अल्टरनेटिंग करंट की कंडीशन वो याद रखना क्या थी, अल्टरनेटिंग करंट की कंडीशन थी कि वो प्लस और माइनस होना चाहिए और उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो सभी में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 162 नंबर का क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बच्चों। केमिस्ट्री में इसके फॉर्मूले बताते हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन उड़ीसा वालों ने दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है, हाइड्रोजन एटम जो है ना, इसकी रेडियस, परमिटेड रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 बताइए, वो हमें वैसे ही मालूम रहती है। और इफ़ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय म्यू, अब आपने क्या किया है कि म्यू एक चार्ज है, चार्ज सेम है इलेक्ट्रॉन और मास 207 एम ई, एक म्यू एक पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन को, उसका चार्ज तो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, बट मास उसका कितना है, 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो म्यू है इसका चार्ज है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये अपने को दिया हुआ है। और इसी में अब अपने को बताना है फर्स्ट भोर रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हमें बतानी पड़ेगी बच्चों। अगर आप प्रोटॉन का मास, वो हमें याद है प्रोटॉन का मास होता है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना होता है बच्चों। हम एक रिड्यूस्ड मास निकालते थे फिजिक्स में, रिड्यूस्ड मास, उसको भी म्यू ही लिखते थे, तो मैं म्यू आर लिख देता हूँ, रिड्यूस्ड मास या सम्मानित द्रव्यमान निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था m1 m2 upon m1 plus m2, है ना, तो म्यू एम पी अपॉन म्यू प्लस एम पी। यहाँ से आप ये रिड्यूस्ड मास निकाल लीजिए, ये 207 इंटू एम ई और 1836 इंटू एम ई अपॉन 207 प्लस 1836, 207 प्लस 1836 एम ई, एक एम ई से ये एम ई कैंसिल हो जाएगा, ये सम्मानित द्रव्यमान आ जाएगा। अगर ये सम्मानित द्रव्यमान या म्यू आ गया हमारे पास, तो बच्चों जो फर्स्ट भोर ऑर्बिट होती है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फर्स्ट भोर ऑर्बिट उसका फॉर्मूला हो जाएगा एम ई आर वन बाय म्यू। ये जो रिड्यूस है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है ही हमारे पास, एम ई लिखना है यहाँ पे केवल, और आर वन, आर वन की वैल्यू आपको 0.51 दे रखी है, म्यू आर, ये म्यू आर आपको ये वैल्यू हमने बता रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये एम ई, एम ई की वैल्यू एम ई ही रहेगी, आर वन की वैल्यू 0.51 रहेगी, म्यू रिड्यूस्ड, ये म्यू रिड्यूस्ड का फॉर्मूला यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने को। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आता है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 13, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 13, इन दोनों में से कहीं कोई एक ऑप्शन होगा। और हमें निकालना था ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, बच्चों ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी म्यू इंटू एनर्जी जो भी ग्राउंड स्टेट की होती है अपॉन एम ई। अगेन म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास, ये म्यू मतलब म्यू आर, म्यू आर की वैल्यू आपके पास है
एनर्जी वो -13.6 दे रखी है, ME की वैल्यू ME रहेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में लास्ट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, फॉर्मूले इसमें याद कर लेना आप। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 164 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है बच्चों ये, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए। वोल्टमीटर की रीडिंग अपने को चाहिए तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आओ कुल प्रतिरोध निकालते हैं, ये 20 ओम है, ये आपको दिया हुआ है 30 ओम, ये दिया हुआ है 20 ओम और ये भी दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। तो ये 30 और 20 मिलके कितना हो जाएगा सीरीज में, 50 ओम, और 20 और 20 ये मिलके हो जाएगा 40 ओम। अब ये पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में प्रतिरोध पैरेलल में होता है R1 R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रेजिस्टेंस आता है। बच्चों ऊपर कितना आ रहा है 50 × 40, नीचे कितना आ रहा है 90, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 × 4 = 20, 200/9 ये आया है टोटल रेजिस्टेंस। कुल प्रतिरोध कितना आया है 200/9, ये कुल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध आया है। आप बच्चों इसमें V = IR लगाओ, टोटल V कितना है 2, टोटल I कितना है पता नहीं, टोटल R कितना आया है 200/9। बच्चों 2 से 2 कैंसिल करना, I की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9/100 के बराबर, इतना एम्पियर करंट आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान थी, कैलकुलेशन है, रेजिस्टेंस निकाल लेना आप, करंट निकाल लेना, टोटल करंट कितना आया है 9/100, ये टोटल करंट आया है। ये टोटल करंट उच्च विभव से, यहां से करंट I आएगा, यहां से भी करंट I आएगा। बच्चों अब ये I दो भागों में टूटेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है, अगर ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर V बराबर IR लगाओ तो पैरेलल या समांतर क्रम में V सेम हो जाता है, और V सेम हो जाता है तो I और R व्युत्क्रमानुपाती होगा, I और R इनवर्स रेशियो में होगा। बताइए ये कितना है 20 और 30 50 ओम, ये 20 और 20 कितना है 40 ओम, इसका रेशियो कितना होता, इसका अनुपात कितना होता, इसका अनुपात होता 5/4 होता, लेकिन करंट ना आर के उल्टे रेशियो में जाता है, तो ये 5/4 का उल्टा करोगे तो यहां अगर करंट में भेजता I1 और यहां करंट में भेजता I2, तो I1/I2 को होना चाहिए था उल्टा रेशियो में 4/5, समझ रहे हो। ये R1/R2 तो कितना है 5/4, लेकिन R2/R1 आता 4/5, तो I1 को कितना मिलता, I1 को मिलता 4/9 I, क्योंकि 4 और 5 का एडिशन कितना होता 9 होता, तो 4 वाले को 4/9 मिलता। I2 को कितना मिलता, I2 को मिलता 5/9 I, समझ रहे हो। टोटल कितना है 9 है, तो यहां से तुम I1 निकाल लो, देखो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 × I, I की वैल्यू कितनी थी 9/100, यानी ये आ गया 4/100 एम्पियर। और I2 की वैल्यू निकालते तो I2 की वैल्यू कितनी आती, I2 की वैल्यू आती आपके पास 5/9 और I की वैल्यू कितनी थी 9/100, यानी कि I2 की वैल्यू आ जाती आपके पास 5/100 एम्पियर। तो कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए ऊपर कितनी धारा जा रही है, ऊपर कितना करंट जा रहा है 4/100, और नीचे से कितना करंट जा रहा है 5/100 करंट जा रहा है, और अपने को इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन सारी देख लेना, KVL लगाएंगे अपन तो इसको हटाना पड़ेगा, बट याद कर लेना। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन हटा देता हूँ यहाँ पे, इसमें अपन ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध कैसे निकाला था ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, दोनों समांतर क्रम में पैरेलल में हैं तो आप रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकाल सकते थे। तो ये रेजिस्टेंस देख लेना कैसे निकाला हुआ है, बाकी अब कैलकुलेशन जो है ना वो यहाँ पे देख लो कि और इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं अपन, है ना। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना था, तो वापस से इसको बना लो, ये है 20 ओम
और ये आया है 20 ओम। बच्चों यहां से करंट गया, ठीक है, I1 करंट कितना है 4/100, ये करंट यहां से आगे आया है, ठीक है, और यहां से कितना करंट जा रहा है 5/100, ये करंट यहां से गया है। बच्चों इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, यहां प्लस लगा देना, यहां माइनस लगा देना, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है, तो ये प्लस माइनस, यहां भी करंट प्लस से माइनस जा रहा है तो यहां भी प्लस माइनस आ जाएगा। बच्चों A से B, A से B आप घूम जाइए, KVL लगा दीजिए, बोलिए A पर आप हैं तो क्या लिखेंगे VA, यहां से आप आगे आए कहां से बाहर निकले, माइनस से तो प्रवेश किया, माइनस से एंटर किया, बाहर कहां से निकले प्लस से, तो प्लस और I इंटू R, R की वैल्यू 20, ठीक है, और फिर आप यहां से आगे आएंगे, इधर से इधर, यहां से आगे आए तो कहां से जा रहे हैं माइनस, माइनस I इंटू R, I की वैल्यू 5/100 है, इंटू R की वैल्यू 20 है, और आप आ गए बिंदु B पर, तो यहां से 20 ये 5 आ जाएगा और 20 ये भी 5 आ जाएगा, तो VA प्लस 4/5 कितना होता है 0.8 और माइनस 1 इक्वल्स टू VB, VA माइनस VB आ जाएगा बच्चों 0.2 वोल्ट के बराबर। तो बच्चों ये आंसर जैसे मैंने बोला 0.2 वोल्ट है, 0.2 वोल्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं, तो ऐसा मत समझना कि गलत आंसर आ गया, एक्चुअली इस फिगर का आंसर यही है, लेकिन नीट में ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है अपने से, ये यहाँ पर ना ये 30 ओम, यहाँ पर 30 ओम जो है वो दिया हुआ था, और यहाँ पे जब आप 30 ओम करोगे ना तो सवाल भी बहुत आसान हो जाएगा। सवाल आसान कैसे हो जाएगा कि ऊपर भी 50 ओम है, नीचे भी 50 ओम है, तो जो करंट आएगा ना वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सवाल यही है। इसमें बस मिस्टेक क्या है, ये 20 ओम की जगह आपको 30 ओम करना पड़ेगा, सवाल इसी तरीके से सॉल्व होएगा। जब यहाँ पे आप 30 ओम रखेंगे तो आंसर उसका 0.4 वोल्ट आ जाएगा, जो सही सवाल है, है ना। तो 30 ओम कर दें तो आंसर निकालने, कैसे निकालेंगे ओरली मैं बता भी देता हूँ, ये भी 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, ये भी 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 और 50 समांतर क्रम में 25 हो जाएगा, अब तो ओरली हो जाएगा, अगर ये 30 होता ना यहाँ पे ओरली सवाल हो जाएगा, ये भी 50 ये भी 50, तो 50 और 50 पैरेलल में 25 हो गया, 25 हो गया तो टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट आएगा 2/25, 2/25 करंट आया तो 1/25 ऊपर चला जाएगा, 1/25 नीचे आ जाएगा। अब 1/25 ऊपर चला गया, 1/25 नीचे आ गया, तो बस होगा क्या, यहां पे 20 के साथ भी 1/25 लिखा होगा, यहां पे 30 के साथ भी 1/25 लिखा होगा, तो बताइए यहां पे 20/25 और माइनस इधर लिखा होगा 30/25, और यहां से ये आंसर कितना आ जाएगा 10/25, और 10/25 को आप अगर सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 0.4, ये 0.4 आंसर आ जाएगा, तब तो ओरली हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, उसी को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के बता दिया है, बाकी नीट में यहाँ पे 30 ओम था, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं लगती, ओरली हो जाता सवाल और उसका आंसर 0.4 आ जाता, ठीक है। तो ये 164 नंबर का आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। आइए 164 नंबर के बाद बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 165 पे। तो 165 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है बच्चों। मीटर ब्रिज में बोल रखा है P और Q, इसकी बैलेंस लेंथ दे रखी है, बैलेंस लेंथ L1 L2 दे रखी है, ठीक है। इफ वी इंटरचेंज पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर और सेल, बच्चों ये जो मीटर ब्रिज होता है ना, ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, तो याद करना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से होता था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से होता था कि ये चार रेजिस्टेंस होते थे, ये एक बैटरी होती थी और ये एक गैल्वेनोमीटर होता था, और हम लिखवाते थे, देखिए एक डायगनल, एक विकर्ण पर बैटरी लगी हुई है और एक विकर्ण, एक डायगनल पे गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, और इसको आपस में बदल सकते हो, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज करने से संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वही उसने पूछ लिया, इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल विल द ब्रिज वर्क, यस
बिल्कुल वर्क करेगा और आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बैलेंस लेंथ बिल्कुल वही आएगी। इसीलिए बताइए P by Q पहले अगर था L1 by L2 तो बाद में भी P by Q क्या होगा, L1 by L2 ही रहेगा, बैलेंस लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्लास में बताया हुआ है, आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कीजिए, कुछ फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। चलिए 165 क्वेश्चन के आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 166 आप देखोगे तो रिलेशन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बच्चों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट BV, नेट मैग्नेटिक फील्ड कुल चुंबकीय क्षेत्र B आता है और ये कुल चुंबकीय क्षेत्र जितना झुका हुआ होता है उसे नति कोण या एंगल ऑफ डिप कहते थे। रिलेशन क्या आ जाएगा बताइए कि ये जो टोटल B है इस B का ऊपर घटक आ जाएगा तो BH की वैल्यू आ जाएगी B cos डेल्टा और BV की वैल्यू आ जाएगी B sin डेल्टा। तो H में B cos अल्फा आ जाएगा, H में B cos अल्फा, H में BE cos अल्फा, समझ रहे हो जो भी डेल्टा है, और V में क्या आ जाएगा B sin डेल्टा, V में आ जाएगा B sin डेल्टा। BE टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए BE लिख रखा है, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये चित्र आता हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन 166 क्वेश्चन के बाद आप आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 167 इसमें देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 167 में बोला है रेट ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन एट एन इंस्टेंस इज 2.2 × 10⁻¹ इज दिस, ठीक है, ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा ये हाफ लाइफ दे रखी है बच्चों आपको, हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 2.2 × 10⁻¹ है ना, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बच्चों रेट दे रखी है आपको, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब dN by dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 10⁻¹० ये दे रखी है। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंस, अब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स आपको बताने हैं बच्चों, dN by dt की वैल्यू लैम्डा n होती थी, dN by dt की वैल्यू दे रखी है 10⁻¹० लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू मतलब टी हाफ होता है ln 2 बाय लैम्डा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते थे ln 2 बाय टी हाफ, लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते थे ln 2 मतलब 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की जगह क्या लिख सकते थे 2.2 × 10⁻¹ और इंटू एन, यहाँ से तुम्हारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर आप निकालते तो रफली कितनी आ जाती 2.2 को उधर ले जाते 2.2 अपॉन 2.2 अपॉन 0.7, बच्चों ये 0.693 को आप क्या मान सकते हो 0.7 मान सकते हो, 2.2 अपॉन 0.7 और 9 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻¹⁹, तो ये 22/7 आ गया इंटू 10⁻⁻⁹ 22/7 3.14 होता है ये, 22/7 पाई के लगभग 3.14 इंटू 10⁻¹⁹, तो लगभग इसका आंसर क्या दे दें अपन, फोर्थ आंसर दे देते, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 167 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए बच्चों 167 के आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 168 पे। 168 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रखा है, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 घंटे एट हाइट ऑफ 6 RE फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों ये अर्थ है, अर्थ से 6 RE ऊंचाई पर इसका टाइम दे रखा है आपको 24 घंटे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो आपको मालूम ही होगी, जो आपके घर में डिश टीवी लगी हुई है, डिश एंटीना लगा रहता है, टाटा स्काई या डिश जो भी, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ही कैच करता है, समझ रहे हो क्या, पृथ्वी घूम रही है तब भी सिग्नल सेम रहते हैं, पृथ्वी के साथ वो सैटेलाइट भी घूम रही है इसलिए सिग्नल हमेशा आते रहते हैं। अब क्या बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE। बच्चों आप कोई फॉर्मूला बताओ मेरे को, जैसे केपलर लॉ बताओ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो पहले का टी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, बाद का टी तुम्हें निकालना है। आर बच्चों ये आर डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से होती है, हाइट 6 RE है तो सेंटर से 7 RE,
और 2.5 तो सेंटर से 3.5 आर ई, इसका क्यूब बच्चों ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर, ये आ जाएगा टी का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 24 का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, टी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर बाय 8 और यहाँ से टी निकाल लो बच्चों, टी की वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 2√2, समझ लो रूट निकालोगे तो 24 अपॉन 2√2 आंसर है, जिसको आप 12/√2 भी लिख सकते हो, 12/√2 या इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो तो ये 6√2 भी हो जाएगा, 6√2 मतलब फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास 168 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है कैपलर लॉ पे बेस्ड है, आसानी से इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 बताइए, क्वेश्चन नंबर 169 में आपको क्या बोला हुआ है, अ सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, एक एसी सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट आने पे करंट आता है 0.2 एम्पियर, आगे पढ़ लेते हैं कि क्या बोला हुआ है, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड विद डीसी ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। अब बच्चों आपको बताना है कि उस सर्किट में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले V इक्वल टू आई जेड, एसी में अगर तुम इक्वेशन लगाते हो V इक्वल टू आई जेड, तो V इक्वल टू आई जेड में V की वैल्यू 12 थी, I की वैल्यू 0.2 थी, है ना, 12 वोल्ट एसी से जोड़ने पे 0.2 एम्पियर करंट आ रहा है इंटू जेड 0.2 एम्पियर, तो यहाँ पॉइंट हटाओगे ये नीचे आएगा, मतलब जेड की वैल्यू आ जाएगी 12/0.2 या 60 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो आ जाएगा 120/2, जेड की वैल्यू 60 आ गई। इसके बाद जब इसे डीसी से जोड़ोगे तो डीसी से जोड़ने पर वी इक्वल टू आई इंटू जेड, अब जेड ये डीसी का आना चाहिए था, जेड की वैल्यू होती है बच्चों रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे को डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जीरो होती है, और फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ना एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, तो फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो ये ओमेगा भी जीरो आ जाएगा, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ωc और यहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो करते तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाता। तो डीसी में जब अपन ने इस सर्किट को जोड़ा होगा तो इस सर्किट में एक्ससी तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कैपेसिटर रहा होता तो कैपेसिटर रहने से क्या होता कि करंट वहां पे बहुत ज्यादा इनफाइनाइट आ जाता, क्योंकि ये एक्ससी की वैल्यू कितनी हो जाती इनफाइनाइट हो जाती, बट यहां पे तो कुछ करंट दिया हुआ है अपने को और कुछ करंट दिया हुआ है तो हो ना हो यहां पे एक्सएल रहा होगा, एक्सएल रहा होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और डीसी में ये ओमेगा की वैल्यू जीरो हो गई होगी तो केवल आर काम किया होगा वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये पॉइंट हटाओगे इधर जीरो आ जाएगा, आर की वैल्यू आपको 30 ओम दिख जाएगी, आर की वैल्यू 30 ओम दिख जाएगी, और सर्किट में क्या होगा, सर्किट में केवल रहना चाहिए एल और आर। सर्किट में क्यों एल और आर रहेगा वापस से समझ लेना आप, क्योंकि अगर सर्किट में सी कैपेसिटेंस होता तो डीसी में लगाने पर एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाती इनफाइनाइट, ये अनंत होता इनफाइनाइट नीचे जाता तो करंट जीरो आना चाहिए था, जबकि करंट कुछ आ रहा है वो तभी संभव है जब सर्किट में एल और आर दोनों रहेगा, डीसी में लगाने पर एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आर के कारण कुछ करंट आ जाएगा 30 आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से तुम जेड की वैल्यू कितनी रहेगी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, पूछा नहीं है वरना एक्सएल भी निकाल सकते थे यहाँ से, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 170 नंबर का क्वेश्चन, 170 नंबर के क्वेश्चन में साइकिल व्हील ऑफ रेडियस कुछ दे रखी है आपको, साइकिल व्हील की रेडियस दे रखी है, ये रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से, ईएमएफ जनरेटेड बताना है। बच्चों जब भी कोई रॉड घूमती थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता था उसका फॉर्मूला था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आता था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आप वैल्यूज लिख दो, हाफ बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.1 दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है 10
और लेंथ का स्क्वायर दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर, बच्चों यही इसका आंसर आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। 10 और 0.1 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 को 2 से डिवाइड कर लेना यानी 0.125, ये इसका आंसर आ जाएगा। 170 नंबर के क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अपन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 171 नंबर का क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में अपने को 171 के क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी गई है और आपको इसमें बताना है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वो सी होती थी वैक्यूम में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर से, समझ रहे हो। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और रिलेटिव म्यू आपको दिया हुआ है म्यू आर 1 और 1.44, ये 3 × 10⁸ अपॉन ये 1.2 आ जाएगा, 1.44 का रूट 1.2 और 3 अपॉन 1.2 बच्चों 2.5 × 10⁸, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम मैग्नेटिक फील्ड MEC पढ़ाते हैं उसमें भी बता देते हैं, और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बताया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वो होती है किसके बराबर, 1/√μ0ε0, है ना। तो सी का फॉर्मूला आता था 1/√μ0ε0 के बराबर, लेकिन वो वैक्यूम में है, अदरवाइज म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर और आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 172 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 172 नंबर के क्वेश्चन में वैसे तो ऑप्शंस दिख नहीं रहे आपको, लेकिन जरूरत नहीं है ऑप्शंस की। द स्फीयर एनक्लोज अ इलेक्ट्रिक डायपोल और टोटल फ्लक्स पूछा है। बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज टोटल इनसाइड है। बच्चों डायपोल है, डायपोल का मतलब होता है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना रहा होगा, जीरो रहा होगा, और चार्ज जीरो है तो इसका फ्लक्स भी जीरो आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों फ्लक्स, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है, स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, जीरो है। चलिए जीरो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो भी ऑप्शन दिया हो। 172 के आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 173 पे। 173 बच्चों हम नोट्स में कराते हैं ये सवाल, और पहले भी आया हुआ है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 दिए हुए हैं और टर्मिनल्स ए और बी दिया हुआ है, के है C1 यूजिंग बैटरी V वोल्ट, है ना। नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी, टर्मिनल्स बी एंड सी आर कनेक्टेड ड्यू टू दिस, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। बच्चों परसेंटेज लॉस इन एनर्जी पूछा है, पहले बताइए परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता होगा। लॉस का फॉर्मूला, लॉस मतलब फाइनली कब हो गई होगी एनर्जी, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल इनटू 100, इसको परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला बोलते हैं अपन। जैसे परसेंटेज चेंज होता था ना, परसेंटेज चेंज होता था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अब लॉस मतलब इनिशियली वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन फाइनल इनटू 100। अब बताओ शुरुआत में ए और बी जुड़ा हुआ है, शुरुआत में ए और बी जुड़ा हुआ है, तो शुरुआत में एनर्जी कितनी होगी, शुरुआत में केवल C1 के पास एनर्जी है, तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बताओ मेरे को शुरुआत में इस V1 का वोल्टेज V था और इस V2 का वोल्टेज कितना था, जीरो था। बच्चों अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, अब बाद में क्या किया होगा, बाद में बी को सी से कनेक्ट कर दिया, अब बाद में बी को सी से कनेक्ट कर दिया, तो ये बताओ लॉस का एक फॉर्मूला होता था, है ना, एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये वर्क पावर एनर्जी में भी आया था, M1 M2 अपॉन 2M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, है ना। ये कोलिजन में भी आ चुका है। तो बच्चों ये लॉस का फॉर्मूला है, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल का फॉर्मूला है, तो बताइए इनका रेशियो अगर ले लेता मैं ऊपर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल उसी को लॉस कहते हैं, ये लॉस कितना लिखा हुआ है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
इंटू वी स्क्वायर, और नीचे यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना है हाफ सी वन वी स्क्वायर इंटू हंड्रेड, ठीक है। बताओ ये कितना दिख रहा है, हाफ सी वन और वी स्क्वायर, हाफ सी वन और वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू हंड्रेड। तो ये एनर्जी आ गई थी अपने पास, और इस एनर्जी में सी वन सी टू की वैल्यूज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सी वन सी टू इक्वल कैपेसिटेंस है, इक्वल है तो बच्चों इसको भी सी लिख लेते हैं, और नीचे C1 प्लस C2 को भी 2C लिख लेते हैं इंटू 100, 100 बाई 2, 100 बाई 2 मतलब इसका आंसर कितना आ जाता बच्चों 50% थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है। तो 173 नंबर का ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं हम, और नेक्स्ट 174 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन वो अपन और सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्नियर कैलिपर का दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। अब जो जो दिया हुआ है वो लिख लेना कि मेन स्केल जो है ना, मेन स्केल डिवीजन, उसमें क्या है एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर में एन डिवीजन है। एक सेंटीमीटर जब मेजर करता है ना तो उसमें एन डिवीजन्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ इसका मतलब मान लो आप। और क्या बोला हुआ है आगे, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के जो डिवीजन हैं वो बराबर हैं किसके, n माइनस वन डिवीजन, वो बराबर हैं n माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अपने को क्या बताना है, लीस्ट काउंट बताना है। बच्चों क्या होता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे छोटा मेजरमेंट। स्केल लेते हो आप तो स्केल से सबसे छोटा मेजरमेंट जो कर सकते हो वो स्केल का क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटा आप सही मेजरमेंट क्या कर सकते हो, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी उपकरण का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट, सबसे छोटा मापन। ये अभी मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर को नापने के लिए मेन स्केल में एन डिवीजन है, और एन जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो एन माइनस वन मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है। अब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर में फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बस ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले स्क्रू गेज के होते हैं, दो फॉर्मूले उसके याद करना, एक फॉर्मूला इसका याद करना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन रहने दो, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बोलो वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह आप क्या लिख सकते हो, एन को नीचे ले जाना, एन माइनस वन अपॉन एन इंटू मेन स्केल डिवीजन, ये लिख सकते थे, यहाँ से एन नीचे चला जाता। बताओ मेरे को मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो तो वन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, ये आ जाता। एन इधर ऊपर एलसीएम लोगे तो एन माइनस एन, और ये प्लस वन आ गया, मतलब लीस्ट काउंट की वैल्यू मेरे को दिख रही है मेन स्केल डिवीजन अपॉन एन। देख लो कैलकुलेशन एक बार, सही तो है क्या, ये एन इधर आ गया, एन माइनस एन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस वन आ गया, और बाहर ये मेन स्केल डिवीजन तो लिखा ही था। तो मतलब लीस्ट काउंट हम सबसे छोटा कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन का वन एंथ, समझ रहे हो, एन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब है क्या यहाँ पे, यहाँ पे आप एक डिवीजन में कितना मेजरमेंट कर सकते हो, एक डिवीजन जो आपको दिख सकता है उसको हम एक डिवीजन कहते हैं। तो मेन स्केल के एक डिवीजन में कितना सेंटीमीटर है, वन बाय एन सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा जो आपको दिखता। लेकिन लीस्ट काउंट क्या है, मेन स्केल डिवीजन का भी वन बाय एन है, वन बाय एंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन में हम कितना सेंटीमीटर था एक डिवीजन में, वन बाय एन, और सबसे छोटा आप कितना मेजरमेंट कर सकते हो, मेन स्केल डिवीजन का भी वन बाय एन। तो मेन स्केल डिवीजन का एक डिवीजन कितना था, 1 बाय एन था, तो इसका 1 बाय एन डिवीजन कितना होगा, इसका 1 बाय एन डिवीजन कितना होगा, यहाँ भी n से डिवाइड कर दो, या तो n स्क्वायर, या यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 1 बाय एन स्क्वायर, ये भैया इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, और पॉइंट्स देख लेना क्या क्या बोला गया है। फॉर्मूला याद करने के लिए केवल ये एक फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल जो है 175 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 175 नंबर के क्वेश्चन बोला हुआ है, पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v1 फॉर डिस्टेंस x एंड v2 फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस। बच्चों एक डिस्टेंस x चलता है v1 से, एक डिस्टेंस x चलता है v2 से, अपने को एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। बच्चों एवरेज वेलोसिटी
होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x और x 2x और टाइम t1 प्लस t2 आ गया। बच्चों यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख सकते थे आप पहले के लिए। स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस x है, और इसके लिए क्या लिख सकते थे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या यहाँ से t1 t2 की वैल्यू आ गई आपके पास, 2x तो 2x हो गया, t1 की जगह क्या लिखोगे, t1 की जगह x by v1, और यहाँ से t2 की जगह क्या लिखोगे, x by v2। ये सारे x से x कैंसिल हो जाएंगे, ये सारा x, x और x कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 1 by v1 1 by v2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 1 by v1 प्लस 1 by v2, और ये 2 तो ऊपर ही था, ये v एवरेज को नीचे ले आओ, 2 upon v average। तो 2 upon v इक्वल्स टू 1 upon v1 प्लस 1 upon v2, ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, एज्यूमिंग दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी है, जो हम मानते ही थे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और चेंज उसने लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया है, ध्यान से इंग्लिश पढ़ लेना, व्हेन टेकन टू अ हाइट एच, ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक ले जाते हैं अपन, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से एच हाइट तक ले जाते हैं, तो फाइनली कहाँ पे ले गए, फाइनली हाइट एच पर ले गए। यू का फॉर्मूला पता ही होता है सबको, यू का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है। आर कहाँ से डिस्टेंस होती है, आर सेंटर से डिस्टेंस होती है, बताइए यू फाइनल कितना होगा, फाइनली आप हाइट एच पर ले गए, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, और शुरुआत में ये सरफेस पे था, माइनस जी एम एम अपॉन आर। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और ये प्लस जी एम एम अपॉन आर। तो ये यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें माइनस जी एम एम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जी एम एम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 upon r plus h माइनस 1 upon r, ये बच जाएगा। बताइए ऊपर कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो r माइनस h, तो वहां पे बच जाएगा बच्चों, नीचे बचेगा r इंटू आर प्लस एच, और ऊपर क्या बच जाएगा, ये एलसीएम लोगे r, और इधर आएगा माइनस r, तो r और माइनस r कैंसिल हो गया, माइनस h और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जी एम एम एच, तो जी एम एम एच अपॉन आर आर प्लस एच, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ, 177 नंबर का क्वेश्चन, 1 gram ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाइए, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर स्टीम में बदल रहा है, वाटर किस में बदल रहा है, स्टीम में बदल रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फेज चेंज या अवस्था परिवर्तन होता है। तो बच्चों हीट कौन सी लगती है, हीट लगती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब एम इंटू एल, समझ रहे हो, इतनी लेटेंट हीट लगेगी, और यहाँ पे 1 gram है वाटर का, तो लेटेंट हीट दे रखी है 2256 जूल पर ग्राम, तो 1 gram की लेटेंट हीट भी यही है 2256, क्योंकि 1 gram को ही कन्वर्ट करना है, तो ये जूल में मैंने एनर्जी लिख दी, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा यू, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज आपको निकालनी है, प्लस वर्क डन, बच्चों वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। फेस चेंज के समय, फेस चेंज जब भी होता है, अवस्था परिवर्तन जब भी होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट मानते हैं, और प्रेशर कॉन्स्टेंट का वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, वो लिखना पड़ेगा पी डेल्टा वी आपको। पी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पी कितना है 10^5, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज आप लिखोगे 1671 - 1 × 10^-6। ये कैसे आया बच्चों, फाइनल वॉल्यूम तो 1671 दिया ही हुआ है आपको, फाइनल वॉल्यूम तो 1671 दिया ही हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
तो डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सीसी होती है और मास भी 1 है तो वॉल्यूम भी 1 ही आ जाएगा सीजीएस में, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम भी 1 आ गया, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ये अपन ने निकाल लिया यहाँ पे। बोलो ये कितना आ जाएगा अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये 2256 था वो तो ऐसा ही रहेगा, 2256 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, ये बताइए 1671 में से जब 1 माइनस करोगे तो 1670 आएगा, 1670 तो वो एक 0 और 5 10 की पावर 6 कैंसिल, मतलब 167 बच जाएगा यहाँ पे। 167 माइनस कर दो भाई इसमें से, इसमें से 167 माइनस कर दो बस, यही डेल्टा यू आ जाएगा। तो इसमें 16 में से 7 जाएगा, मतलब 9 बाकी रहेगा, लास्ट में 9 मेरे को इसी में दिख रहा है, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माइनस कर लेना, यही इसका आंसर आ जाएगा 2089। फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे ये आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल 178 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 178 नंबर के क्वेश्चन में एंगुलर विथ बच्चों लैम्डा बाई डी होती है ना, एंगुलर विथ का फॉर्मूला ही लैम्डा बाई डी होता है। तो एंगुलर विथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी, या एंगुलर विथ लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है, एंगुलर विथ लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। अब कहा क्या गया है कि लैम्डा जब 6000 था तो थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट प्रोपोर्शनल टू 6000। बाद में क्या हुआ कि द एंगुलर विथ इज डिक्रीज बाय 30%। बच्चों 30% यदि डिक्रीज हो गई तो बाकी कितनी रह गई, 70% बाकी रह गई, 70 मतलब 0.7। तो अब लैम्डा कितना है निकाल लो भाई, लैम्डा थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.7 × 6000, कितना हो गया ये, 0 से पॉइंट हटा दो, 600 × 7 7 × 6 = 42, 4200 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है डायरेक्टली, थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी और थीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। आप कम कर दो, 30% से डिक्रीज हो गई है, सिली मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे 0.3 मत लिख देना है ना, 0.3 लिख दोगे तो 1800 भी ऑप्शन दिख रहा है, 30% से डिक्रीज हो गई तो बाकी 70% रह गई, सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। चलो इसके आगे बच्चों चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 179 पे। 179 क्वेश्चन बोल रखा है, वर्क फंक्शन 4 दिया हुआ है और आपको वेवलेंथ निकालनी है। बच्चों एनर्जी एच सी बाय लैम्डा होती है, एनर्जी अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हो, एच सी को 12420 लिखते हो, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में दिख जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में, 12420 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 1 = 4 आ गया, 3105 एंगस्ट्रॉन्ग। तो एंगस्ट्रॉन्ग में तो कोई ऑप्शन नहीं है, नैनोमीटर में कर लो, तो नैनोमीटर में करोगे तो 310 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉन्ग में 10^-10 आएगा और एक उधर चला जाएगा, तो 310.5 आना चाहिए था, 310 नैनोमीटर फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 180 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल है, इनको एक्सेलरेट किया है रेस्ट से और इनकी लास्ट में एनर्जी सेम हो गई है, इनकी एनर्जी सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। बच्चों लैम्डा का फॉर्मूला एच बाई पी होता ही है, पी मोमेंटम है, मोमेंटम को तुम एनर्जी में क्या लिख सकते थे, √2mE लिख सकते थे, ई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। रेशियो लोगे तो एच सेम है, टू सेम है, एनर्जी सेम है, लैम्डा मास के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा, लैम्डा प्रोटोन का और लैम्डा अल्फा का, तो ऊपर अल्फा का मास लिखना पड़ेगा और नीचे प्रोटोन का मास लिखना पड़ेगा, अल्फा का मास 4 मानोगे तो प्रोटोन का मास 1 आ जाएगा। रेशियो इसका आप निकालोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1, वैसे दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो शायद कोई एक ऑप्शन 1:2 होगा, बट सही आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, प्रोटोन और अल्फा का ऑप्शन। तो 2019 का ऑल इंडिया का पेपर हमने पहले ही सॉल्व कर रखा था, 2019 उड़ीसा का पेपर भी हमने सॉल्व कर दिया है। बच्चों लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।